जैसा हम पिछली बेलाओं में हमारा शीर्षक है पवन दूतिका उसका अध्ययन कर रहे हैं, उसी का अगला छंद 15वां है। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मतियों युक्तियों से चलाना है, बैठे जो हो निसदन में मेघ सिक्रांति वाले, तो चित्रों में इस भवन के ध्यान से देख जाना है, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसकी भाव से हिलाना है, प्यारे होके चक जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है सुरती उनको हो सकेगी हमारी। राधा पवन दूतिका को समझा रही हैं कि श्री कृष्ण के पास जाकर किस तरह से दुख और कष्ट को चतुराई के साथ व्यक्त करना है, इस तरह से वो समझाती हुई कहती हैं, तेरे में है न यह गुण जो न तू व्यथाएं सुनाए। पवन से राधा रानी कहती हैं कि तुम्हारे में यह गुण तो नहीं है कि जो तुम मेरी व्यथा को, मेरी कष्ट को, मेरी पीड़ा को श्री कृष्ण को बता सको। व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना है। व्यापार होता है क्रियाकलाप, क्रियाकलाप के द्वारा प्रखर माने तीव्र है, मति माने बुद्धि है, ओ माने और, ऐसी युक्तियों से बता सके। अर्थात तुम्हारे पास मुख नहीं है जो अनेक क्रियाकलापों से तीव्र बुद्धि से इस प्रकार से ये बता सको। बैठे जो हों निसदन में मेघ सिक्रांति वाले, यदि श्री कृष्ण निसदन माने अपने महल या आवास में बैठे हुए हैं हों और सुशोभित हो रहे हैं, मेघ से मेघ माने बादल के समान क्रांति वाले यदि श्री कृष्ण अपने महल में आवास में बैठे हुए हों, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। उस भवन में जाकर के यदि कोई चित्र लगा हुआ हो तो उसे ध्यान से देख करके आना है, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, यदि उन चित्रों में ऐसे कोई विरह से विधुरा माने पीड़ित है, परेशान है, विरह से पीड़ित यदि किसी का कोई चित्र आपको दिखाई देता है, तो जाके निकट उसको भाव से यूँ हिलाना है, और इसी प्रकार से उस चित्र को जाकर के इस प्रकार से हिला देना है, प्यारे होके चकित जिसे चित्र की ओर देखें, और प्रियतम श्री कृष्ण चकित माने आश्चर्य से उस चित्र को देखने लगें, समझ सकें, आशा है यो सुरति उनको हो सकेगी हमारी। राधा रानी कहती हैं मुझे पूर्ण विश्वास है, ऐसी आशा है, यो माने इस प्रकार से, सुरति माने स्मरण होगा हमारा, मुझे ऐसा विश्वास है, ऐसा मानती हूँ कि श्री कृष्ण को अवश्य हमारा स्मरण होगा। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, ओ हो प्यारे, ओ हो प्राणी विपुल उससे घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उनके ओ हिला के उसे भी देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना है। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, प्यारे के चरण पलट डाल देना उसी को, यो देना है पवन बतला फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल को चूमना चाहती। आगे कहती हैं यदि कोई भी उस सदन में चित्र उद्यान का हो, पवन को संबोधित करते हुए वो कहती हैं यदि उस सदन माने महल में, उस आवास में कोई चित्र उद्यान माने किसी सुंदर बगीचे का हो, ओ हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, ओ माने और, प्राणी विपुल माने व्याकुल होता है घूमते बावले से, ऐसे बावले अर्थात पागल जैसे प्राणी यदि उस उद्यान में घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके ओ हिला के उसे भी, और उस चित्र को, सन्निकट माने निकट होता है, पास होता है, नज़दीक होता है, उस चित्र के नज़दीक जाकर के उसको भी हिला करके देखना है, हिलाना है, अर्थात देवात्मा को श्रुति ब्रज के व्याकुलों कराना, देवात्मा अर्थात श्री कृष्ण को श्रुति माने स्मरण, ब्रज की उन व्याकुलों की आपको अवश्य कराना है, अर्थात ब्रज के जो विरही लोग हैं उनका स्मरण उन श्री कृष्ण को अवश्य ही कराना है। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, यदि प्यारा माने मन को भाने वाला, अच्छा लगने वाला, कुसुम माने पुष्प होता है, कुमला माने मुरझाया हुआ, अगेह माने इस महल में आवास में सदन में यदि पड़ा हुआ हो, उस महल में यदि मुरझाया हुआ कोई ऐसा पुष्प पड़ा हुआ हो, फूल पड़ा हुआ हो, तो प्यारे के चरण पर लट डाल देना उसी को। और आगे कहती हैं कि प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों पर ला करके उसे गिरा देना है, यो देना ये पवन बतला फूल सी बालाए, और हे पवन
यो माने इस प्रकार से उनको बता देना है कि फूल सी एक बाला इसी कुमलाई अर्थात मुरझाए हुए मलिन पुष्प के समान ऐसी पुष्प जैसी सौंदर्यशाली एक बाला है। मलाना हो तो कमल पक को चूमना चाहती है। मलाना माने मलिन होकर भी आपके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है अर्थात स्पर्श करना चाहती है। तो राधा रानी का कहना है उनको ये स्पष्ट करा देना है, उनको स्मरण कराना है, उनको बता देना है कि ऐसी मुरझाई हुई कमल के समान ऐसी बाला भी आपके चरणों को स्पर्श करना चाहती है, चूमना चाहती है। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार की मार्मिक छटा का सुंदर वर्णन किया गया है। राधा रानी की जो वियोग की दशा है उसका सुंदर वर्णन कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने किया है। काव्य के दृष्टि से भाषा खड़ी बोली जैसे पहले बताया था, अलंकार उपमा सभी पदों में दिखाई देता है और अनुप्रास अलंकार उपयुक्त पंक्तियों में है। इसके पश्चात मंदाक्रांत छंद गुण प्रसाद ये हमको लिखना है, स्मरण करना है। धन्यवाद।